G20 को लेकर राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इस बीच ये जानना और समझना भी जरूरी है कि आखिर इस बैठक से भारत को और यहाँ के लोगों को क्या क्या फायदे होंगे। विश्व के करीब करीब सभी बड़े नेताओं की इस बैठक के बाद दुनिया के मंच पर भारत का रुतबा बढ़ना तय है, क्योंकि खुद को महाशक्ति कहने वाले ये देश जानते हैं कि वो जिस देश में आ रहे हैं वो एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर के मंच पर भारत ऐसी उभरती हुई शक्ति है जिसका लोहा ताकतवर से ताकतवर मुल्क मान रहे हैं। दुनिया के विकास के लिए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं। इंडिया हैज सिलेक्टेड द थीम ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर फॉर इट्स G20 प्रेसिडेंसी। ऐसे समय में जब वैश्विक शक्ति की धुरी बनाने के लिए महाशक्तियों में संघर्ष चल रहा है, उस दौर में हर कोई भारत के दबदबे को स्वीकार कर रहा है। लिहाजा G20 का ये महामंच न केवल दुनिया में भारत की साख बढ़ाने का मौका है, बल्कि ये बात भी साफ है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से दुनिया में भारत की आवाज और बुलंद। ऐसे में जब दुनिया के तमाम दिग्गज राजनेताओं का दिल्ली में जुटान होगा तो ये समझना भी जरूरी है कि आखिर G20 की मेजबानी से भारत को क्या क्या फायदा होगा। यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे, दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे, भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद, इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। बस चंद दिनों की बात है और G20 के लिए दुनिया भर के नेताओं का मजमा नई दिल्ली में लगना शुरू हो जाएगा। G20 को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। G20 में अभी सारे डेलीगेट सब बस आने ही वाले हैं, यहाँ पर बड़ा आयोजन, हर तरफ वो तैयारियां भी दिखती हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमी के बड़े होने की बात करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना सबसे ज़्यादा अहम होता है, सड़कों के साथ साथ। चूंकि आपके मन में जो एक वो आपका जो एक आर्थिक दिमाग जो अर्थव्यवस्था को समझने वाला है, संतुष्ट है भारत जिस हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है? देखिए, एयरपोर्ट दुगने हो गए, 100-125 एयरपोर्ट बढ़ गए, रेलवे में ये बड़ी अच्छी ट्रेन शुरू होगी वंदे भारत वाली। अब मुझे बताइए कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार चीज़ें जहाँ होती है वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आती है, और जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आती है वहाँ रोजगार निर्माण होता है, और जहाँ रोजगार निर्माण होता है वहाँ ग्रोथ बढ़ती है और गरीबी दूर होती है। तो विकास का मार्ग तो ये, अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी दिल्ली से मुंबई अगर समय बचेगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आज 16% है। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद से इस पर तमाम सियासी पार्टियां अपने अपना रुख को रख रही हैं। इंडिया अलायंस के भीतर ही अलग अलग विचार इस पर दिखते हैं। ऐसे में ये सवाल मैंने पूछा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक और चीज हो रही है, क्या? और वो सनातन धर्म को लेकर जो अभी टिप्पणी आई है। मुझे लगता है कि जो लोगों को धर्म ही पता नहीं है, सनातन धर्म भी पता नहीं है, धर्म का संबंध है कर्तव्यों के साथ। आप पत्रकार हैं, आप बोल रहे कि मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? धर्म का संबंध कर्तव्य के साथ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, मुझे लगता है जो बेचारे नहीं समझ पाते सनातन धर्म को, वह ऐसी बात कर रहे हैं। सनातन धर्म हमारे इतिहास संस्कृति से जुड़ा हुआ है, खैर जो नहीं समझ पाते वो ऐसा बोलते हैं। सनातन धर्म क्या है आपके हिसाब से, आप क्या समझाएं? भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के आधार पर जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति है, और जो आदर्श हमको हमारे रामायण, महाभारत, सनातन इतिहास से मिले हुए हैं, उसका अनुकरण करने वाले, उसका कर्तव्य के रूप में अनुकरण करने वाले जो लोग हैं, वो हमारे इस विचार पद्धति को,
हमारी इस प्रकार की जो हम काम कर रहे हैं उस पद्धति को वो जो एक जीवन पद्धति मानते हैं या सनातन धर्म का पालन करते हैं, यही उसका अर्थ है।